आप देख सकते हैं हमारा ड्रोन कितनी ऊंचाई पर चला गया है। हम इसको 360 डिग्री पे व्यू देखते हैं, कितना सुंदर नज़ारा लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम अपना लेके आए हैं DJI Mavic Mini Pro का ड्रोन। तो आज हम इसको चलाना सीखते हैं, पहली बार हम इसको चलाएंगे दोस्तों। तो हम आ गए हैं खेतों की तरफ अपने। तो चलिए दोस्तों, हमने इस ड्रोन को अपने हवा में ऊपर पहुंचा दिया है। तो उसको दाएं बाएं आगे पीछे करके चलाएंगे, किस बटन से क्या होता है। तो दोस्तों सीख रहा हूँ अभी। तो हम खेतों की तरफ आ रहे हैं, इसमें कोई फसल नहीं है खेतों में जो हम आपको किसी चीज़ का भी दिखा सकें अच्छा खासा, वो तो नहीं है अभी। तो ये खेत खाली पड़े हुए हैं, तो कुछ दिक्कत परेशानी अगर ड्रोन में आ जाती है तो हमें ड्रोन हमारा दिखाई दे जाए। तो कहीं क्रेश वगैरह हुआ ड्रोन, तो खेत खाली पड़े हुए हैं, तो हम भाग के पकड़ भी लेंगे। लेकिन दोस्तों इतना नारी भी नहीं हूँ कि ऐसा कोई सिचुएशन आए, फिर भी इसमें DJI का है तो इसमें सेंसर भी लगे होते हैं, टकराने का इसमें लगभग बहुत ही कम चांस होता है, तो ऐसा नहीं है। तो आपको कोई ज़्यादा बढ़िया व्यू नहीं दिखाई दे रहा होगा, तो हमसे आपको व्यू नया दिखा करके ऐसे समझो हम चलाना ये सीख ही रहे हैं, वो आपको दिखा रहे हैं। और जो चला रहे हैं तो रिकॉर्डिंग की, तो मैंने सोचा किस तरह की रिकॉर्डिंग की तो आप लोगों को भी शेयर करते हैं, आप भी देखिए। और जो जो भाई ड्रोन चलाना जानते हैं तो हमें कमेंट में बताएं। आप सीख रहे हैं तो दोस्तों धीरे धीरे सीखेंगे ही, चलाना आ जाएगा। शादी बरातों में ड्रोन लगवाने के लिए आप मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं, मिस्कान फोटो स्टूडियो जलालाबाद ब्लॉक गेट के सामने। तो चलिए हम इसको उड़ाते हैं, काफ़ी अच्छा भी दिखाई दे रहा है। अगर नीचे कोई फसल होती तो हरी भरी काफ़ी बहुत ही आश्चर्यजनक दिखाई देती। तो अभी हम हवा चल रही है दोस्तों, तो हवा चलने की वजह से हम आपको काफ़ी इसमें वो क्या कहते हैं स्टंट, ड्रोन से स्टंट नहीं करके दिखा सकते हैं। अब उसके लिए हमें कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तब हम जाके सीखेंगे दोस्तों। इसमें कोई फसल नहीं है, ये हरी हरी घास जो दिखाई दे रही है, खेत की जुताई भी नहीं हुई है, और जो खेत जिन खेतों की जुताई हो चुकी है वो खेत साफ दिख रहे हैं, और इस खेत की जुताई नहीं हुई। तो चलिए और देखते हैं भी। तो दोस्तों ये हमारे पास हमारे गांव से बाहर ये खेत भूड़ वाले खेत बोले जाते हैं, तो हम अपने खेत में भूड़ की तरफ आए हुए हैं। और ये आपको बगीचा दिखाई दे रहा होगा, तो हमारे गांव के आसपास रहने वाले सभी लोग जानते हैं कि इसको अटपेड़ा कहते हैं। अटपेड़ा इसको क्या क्यों किस लिए कहते हैं कि इसमें 8 पेड़ जो है वो किसी समय थे, लेकिन अब तो पुराने पेड़ नहीं इसमें रहे, ये इतना घना हुआ करता था अटपेड़ा, इसे अटपेड़ा बाग के नाम से जाना जाता है। तो ये हमारा गाँव दिखाई दे रहा है आपको, जो सफ़ेद सफ़ेद दिख रहा है, हमारे गाँव का स्कूल है। और ये उस साइड में ये हमारा गांव पिटारमो, इधर सुल्तानपुर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि इधर सुल्तानपुर है। तो हमने लगभग इसे 300 मीटर ही ऊपर किया था, ज़्यादा ऊपर मैंने नहीं किया था, तो अभी सीख रहा हूँ। और ये सुल्तानपुर, इधर रूपापुर, दिव्यापुर, इसी तरह के गांव, ये 360 डिग्री मैंने घुमाया, रोटेट किया हुआ है। तो जहाँ जहाँ किसी खेतों में ये आपको हरी हरी दिखाई दे रहा है, किसी में बाजरा है तो किसी में उड़द है, किसी में तिली है, बाकी खेत जो खाली पड़े हैं इनमें आलू की बुवाई होगी, और इनमें तिली बाजरा खेतों में। और ये जितने खाली खेत पड़े हैं, और ये जो तिली बाजरा जिस है ये जोता जोत दिया जाएगा, ये खाद बन जाएगी, इनमें भी आलू की फसल चारों तरफ बोई जाएगी। आलू की फसल जब भी होगी तो फसल क्या होगी, या जब भी आलू की बुआई होगी तब भी हम ड्रोन से शूट करेंगे, वो भी आपको दिखाएंगे। खेतों का नज़ारा ड्रोन से काफ़ी सुंदर लगता है, तो आप देखते जाइए, अब वीडियो को एंजॉय करिए, कहीं पर कोई गलतियां हुई हो तो क्षमा करना दोस्तों।
चलिए अभी इस वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए, मज़ा आएगा ड्रोन की। तो हम आपको इस ड्रोन से मंदिर की वीडियो बनाते हैं, मंदिरों की, तो नीचे से भी आपको दिखाएंगे बना के कैमरे से, और कैमरे से आपको जो व्यू मंदिर यहाँ जितने भी जगह में होता है ड्रोन से भी आपका अप से हम आपको व्यू दिखाया करेंगे। तो ये वीडियो को बनाने के लिए तो ड्रोन तो लिया ही लिया है, ट्रेनिंगों में चलाएंगे पहले समय अपने यूट्यूब के लिए इस ड्रोन को इस्तेमाल में लेते रहेंगे, मंदिर पार्क जहाँ भी जाएंगे तो आपको इसे इसका व्यू भी दिखाएंगे, आपको काफ़ी सुंदर व्यू दिखाई देता है। तो हमने इसको तीन बेटियाँ थी, तीनों बेटियाँ मैंने डाउन कर दी थी सीखने की वजह से। इस एक बैटरी का बैकअप जो है कंपनी 35 या 25 मिनट लिख के देती है, फिर आपके हाथों में चलाने के ऊपर है कि आप इसे फास्ट चलाते हैं तेज चले, जितना फास्ट चलाएंगे उतनी बैटरी बैकअप कम देगा, सीधे सीधे चलाएंगे बैटरी बैकअप 25 मिनट से 35 मिनट के बीच आसपास ज़रूर होगा। दोस्तों बोलने में कुछ परेशानी हो रही है, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, अब इतना बड़ा यूट्यूबर नहीं हूँ जो सुपर फास्ट बोल सकूँ। तो वीडियो को इन्जॉय करिए, जब हमारे हाथों में थोड़ा थोड़ा ये ड्रोन मतलब हमारे हाथों में थोड़ा थोड़ा ये कंट्रोल होने लगा, तो चलिए हम इसको कुछ दूर तक भेज के देखते हैं। तो दोस्तों इस ड्रोन में आवाज़ तो होती नहीं, वो तो आप जानते ही हैं, इस वीडियो को में आवाज़ मैंने अलग से दी है, तो इसे हम थोड़ा दूर भेज के देखते हैं कितना हम कंट्रोल कर पाते हैं। तो बने रहिए, देखते जाइए, यहाँ तक मैंने लगभग 300-400 मीटर के आसपास लगभग काफ़ी दूर तक भेज दिया था, जो मैं मैप में नहीं देख पाया कितना भेजा था, इतनी दूर तक भेज दिया था। तो अभी ज़्यादा दूर हम नहीं भेजेंगे, अभी हम लोग नए हैं, फ्रेश होने का डर रहता है। तो दोस्तों मैंने इसकी आवाज़ जो है जलालाबाद में बैठ के अपनी शॉप पर दी है, तो इस वजह से गाड़ियों की नॉइस आ रही होगी, तो उसको इग्नोर करें आप लोग। तो चलिए आगे हम इसको अपने पास बुलाते हैं, फिर हमने इसकी बैटरी वगैरह चेंज की, देखते हैं चेंज करते हैं। दोस्तों हम अभी नए लोग हैं, कभी 50-40% पर ही बैटरी बदल देते हैं, नहीं चलाते हैं ज़्यादा, तो कुछ कुछ ये हमारे हाथों से कंट्रोल होने लगा था, अब किस बटन से किधर जाएगा उसमें अभी वक्त लगेगा, तो 8-10 बार हम इसको उड़ाएंगे फ्लाई करेंगे तो ये हमारे हाथों में कंट्रोल अच्छी तरह से होने लगेगा, फिर हम आपको इस वीडियो से अच्छे अच्छे व्यू दिखाया करेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में भी बताएं कि हमारी गलतियां क्या हैं, तो उन गलतियों को हम आगे से सुधार करेंगे। आज पहली बार ड्रोन की हम लोगों ने फ्लाइंग की है, तो इस वजह से हम इसको टेस्ट वीडियो ही आपके सामने पेश कर रहे हैं। ये वीडियो हम अपने गांव के बाहर ले आए, तो वहाँ चला के देखते हैं अपने गांव का नज़ारा, गांव के अंदर नहीं है जो हम अपने गांव का नज़ारा दिखाते हैं, गांव का नज़ारा हम आपको दिखाएंगे, चौराहों का नज़ारा दिखाएंगे। तो ये हमने अपने गांव के बाहर चलाया है, बाहर गांव के खेत आपको इसे दिखाते हैं। ये हमारे गांव का बाहर का नज़ारा है, और ये हमारे मित्र लोग हैं, ये हमारी भैंसें जा रही हैं, हमारी माता जी, ये हमारा पीछे वाला जा रहा है वो चेला है, ये हमारा चेला है। आपको इस वीडियो को ऊपर व्यू करके ऊपर करते हैं और थोड़ा सा भी चारों तरफ दिखाते हैं 360 डिग्री में, यहाँ से मैंने नीचे किया कंट्रोल, अब हम इसको लेके चलते हैं ऊपर ऊपर की तरफ, काफ़ी ऊंचाई तक चला जाता है, इसकी कैपेसिटी लगभग हमारे हिसाब से 500 मीटर के आसपास है, जो कि आधा किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। तो ये हम आपको ऊपर से और भी ऊपर करेंगे 360 डिग्री वीडियो
कैप्चर करेंगे। गांव में भी इसमें कोई फसल नहीं है, खाली खेत पड़े हुए हैं, तोरे वगैरह थी। चलिए और ऊपर करते हैं। तार वगैरह होने के कारण काफ़ी सावधानी से हमें इसे यहाँ पे चलाना हुआ। पहली बार चला रहे हैं तो दोस्तों इसमें सेंसर जो होते हैं वो तारों को नहीं मानते। 360 ये हमारे गांव के आसपास का नज़ारा है, गांव के खेत हैं और ये गाय आपको दिख रही होगी इधर। यही गाय खेतों में काफ़ी नुकसान करती हैं बहुत। तो यहाँ तक हमने वीडियो ज़्यादा ऊंचाई तक नहीं किया, थोड़ा नीचे करते हैं फिर थोड़ा ऊपर करेंगे। अभी हमारी बेटी लगभग 60-70% अभी है। ये हमारे गांव का रोड जाले की तरफ जाता हुआ, ये रोड है हमारा। चलिए और नीचे करते हैं इसे। चलिए फिर एक बार और ऊपर करेंगे। दोस्तों हमारे मोबाइल की भी बैटरी डाउन हो रही है, एडिट करने में परेशानी हो रही है। तो चलिए हम आपको और इसका एक बार भी दिखा देते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, जो हम आपको अच्छी कोई भी दिखाएंगे किसी मंदिर अंदर की जगह। चलिए एक बार और ऊपर का नज़ारा देख लीजिए, फिर इस वीडियो को हम कर देंगे यहाँ पे ख़त्म। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए। कमेंट में आप हमें बता सकते हैं कहाँ का वीडियो देखना चाहते हैं, ड्रोन से भी दिखाएंगे और इस अपने कैमरे से भी आपको इसका भी दिखाएंगे। तो कमेंट में बताना आप कहाँ का वीडियो देखना चाहते हैं, बताइए, ज़रूर बताइएगा। ले लीजिए हमारे खेतों का नज़ारा, जो पहली बार ड्रोन मैंने चलाया है उसका नज़ारा अब देखते हैं। शुरू में देखा था यहीं के लिए मैंने काट के लगाई थी यहीं की। देखते जाइए। तो दोस्तों बस हम अपना ड्रोन नीचे करते हैं, मिलेंगे किसी अगली वीडियो में। तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तो मैंने पकड़ लिया अपना ड्रोन दोस्तों। अगले वीडियो कहाँ का देखना चाहेंगे बता देना। तो हमने अपना उतार लिया ड्रोन। बाय बाय, थैंक यू।